सभी को नमस्कार। अभी तक जो बातचीत हमारी इतनी दिनों में चली है उससे एक नई नजर, एक नई सोच हम लोगों के अंदर पैदा हुई है, और खासतौर से उस चीज को लेके कि जब हम दूसरे को बदलना चाहते हैं तो उसमें ही अपनी सारी जिंदगी गुजारते हैं, जबकि कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम अपने आप को बदलें। तो जो ह्यूमन वैल्यूज पे आज तक का जो सेशन हुआ बड़ा इनलाइटिंग रहा, और जो हमारे प्रतिभागी हैं सभी, उनमें जोश का, उनमें एक उत्साह का जो माहौल देखने को मिला है, ऐसा इससे पहले किसी वर्कशॉप में, यहाँ सच्ची बात है, किसी वर्कशॉप में ऐसा जोश देखने को पहले कभी नहीं मिला। और जो पार्टिसिपेशन का आलम है वो भी ये है कि बढ़ चढ़ के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, घर पे भी अपने असाइनमेंट कर रहे हैं, और असाइनमेंट में भी कंपटीशन चल रहा है कि मार्क्स कितने आए। जिनके असाइनमेंट के मार्क्स टेक्निकली नहीं आ पाए हैं तो वो लोग शिकायत करने भी आते हैं कि अभी तक हमारे मार्क्स नहीं आए। तो हमने कहा मार्क्स तो टेक्निकल प्रॉब्लम है, आ जाएंगे, मेन बात इन्वॉल्वमेंट की है। तो एवरीबडी इज रेडी फॉर द न्यू लाइफ जिसको हम कहें, जो हमारे सामने आई है, और जो आंखें हमारी बंद थी और हम समझ रहे थे खुली हुई हैं, वो हमारी अब समझ में आ रहा है कि हम बंद आंख से जो जी रहे थे अब हमें खुली आंख से जीना है, और बाहर की तरफ देखने से पहले हमें अंदर की तरफ झांकना है, अपने आप की तरफ झांकना है, और तभी जाके हम सोच सकते हैं कि वो 100 करोड़ का जो टारगेट है हमारा, वहां तक हम पहुंच जाएंगे। सर, तो एक तो फारूक जी ने जो बात कही कि अभी मार्क्स की चिंता ना करें और अभी तो कंटेंट पर ध्यान दें, तो दरअसल कंटेंट पर ध्यान देंगे तभी मार्क्स आएंगे, कंटेंट पर ध्यान नहीं देंगे तो मार्क्स नहीं आएंगे। और दूसरा मुझे ये भी बताया गया कि अभी जो AICTE से जो जो सर्टिफिकेट दिए जाएंगे तो वो एक परसेंटेज है, उतना परसेंटेज होने पर ही उनको सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, उससे कम होने पर सर्टिफिकेट नहीं दिए जाते। तो जिन लोगों को सर्टिफिकेट मिलेंगे तो ये मानते हुए कि उन्होंने ठीक से पार्टिसिपेट किया है, प्रॉपरली रेस्पॉन्ड किया है, तो उनको सर्टिफिकेट मिलेंगे। परंतु जिनको सर्टिफिकेट नहीं मिलेंगे वो ये मानते हुए कि ये उनके इंटरनल मार्क्स भी हैं, क्योंकि इंटरनल मार्क का कोई ना कोई क्राइटेरिया तो हम अपनाते ही हैं, तो ये मानते हुए कि उसमें वो कहीं ना कहीं ध्यान प्रॉपरली दे नहीं पाए, तो वो उनके जो सर्टिफिकेट जिनको नहीं मिलने वाले हैं तो उनको हम इंटरनल मार्क्स के रूप में भी लेने वाले हैं। तो इस दृष्टि से जो है उसको थोड़ा ठीक से अपने लोगों को देख लेना चाहिए।